हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को एनल फीसर के बारे में बताएंगे, एनल फीसर का काज बताएंगे दोस्तों, उसका सिम्टम्स बताएंगे और उसका होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे और बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, एनस की बीमारी है और एनस की बीमारी में पाइल्स भी होता है, फीसर भी होता है और फिस्टूला भी होता है। दोस्तों, फीसर का जो प्रॉब्लम है ये महिला का भी होता है, पुरुष को भी होता है और बच्चों को भी दोस्तों ये फीसर का प्रॉब्लम होता है। तो फीसर कहते किसको है पहले ही आप जान जाए, एनस कट जाए फट जाए उसी को फीसर कहते हैं। काउजेज आप लोगों को फीसर का बता रहे हैं, मेनली काउजेज है कंस्टिपेशन। जिन लोगों को बहुत दिन से कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है उन लोगों को फीसर का प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज़ है जिन लोगों का स्टूल हार्ड ज़्यादा होता है उन्हें फीसर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सिम्टम्स, स्टूल पास करते समय दर्द हो, पेन हो, जलन हो, ब्लीडिंग होता है, ये दोस्तों फीसर का सिम्टम है। और इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। जैसे फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा एक्सेस पेन, तो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन जो है दोस्तों बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों, रेटिनिया। लॉन्ग लास्टिंग पेन, जिन लोगों को बहुत देर तक पेन स्टूल पास करने के बाद बना रहे उसमें बर्निंग भी हो, तो रेटिनिया मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। पियोनिया मेडिसिन ये भी फिशर केस में बहुत ही बेटर काम करती है। तो जिन लोगों को ज़्यादा जलन हो, ब्लीडिंग हो, उसमें भी प्यूनिया मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। अब एक और मेडिसिन है दोस्तों, सल्फर। तो सल्फर का पेशेंट का सिम्टम ये होगा कि वो स्टूल पास करने जाना ही नहीं चाहता है, उसे बहुत ज़्यादा डर है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा। उस केस में सल्फर मेडिसिन एक आध डोज ले सकते हैं। और उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों, एलुमिना। तो एलुमिना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन और जो कुछ कुछ दिन पर स्टूल के लिए जाते हो, मतलब कि वो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, स्टूल पर डे नहीं होता, 2 से 3 दिन पर बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन हो, तो उस केस में एलुमिना मेडिसिन दोस्तों बहुत ही बेटर काम करती है। दोस्तों, तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।